कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर को लेकर कहा कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला किया तो कार्रवाई के निर्देश आज ही देंगे। वही भाजपा की संस्कृति है, उनको ट्रेनिंग इस प्रकार की दी जाती है। वही लाठी चलाए, अपहरण कराए, हमारे विधायकों को अपहरण किया बीजेपी ने। वही कहा कि मोदी के राज में पूरे देश में आतंक का माहौल है, प्रजातंत्र खतरे में है। वही सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा उसको हम भी कांग्रेस के लोग मानेंगे। वही मुकेश नायक के दिग्विजय सिंह पर दिए बयान को कहा कि उनका चरित्र दल बदल कर रहा है, कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जिस पत्तल में उखा रहे हैं वफादारी नहीं दिखाई जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता ने इन माननीयों को जनता की सेवा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए चुनाव जिताया था, ना कि बड़ी बड़ी होटलों में अपने आप को बंधक बनवाने और नाटक करने के लिए उनको चुनाव जिताया था। हम गांधी, महात्मा गांधी के देश के लोग हैं, उनके अनुयायी हैं। वो सब यदि सीहोर में रुके हैं तो वो हमारे मेहमान हैं। हम सब उनका स्वागत करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं और उन्हें लोकतंत्र की परिभाषा उनसे सीखना चाहते हैं, उन्हें सिखाना चाहते हैं उन सबको। अब हमें ना तो दिग्विजय सिंह जी से मिलना, ना बाकी किसी से बात करना। अब कमलनाथ जी को भी याद आ रहे हैं, सवा साल से आप क्या कर रहे थे। अरे दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तब उनकी सुनी नहीं, जनता को त्रस्त और परेशान कर दिया।